दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी देवी माता की पूजा होती है जो हमारे चारों धामों की रक्षा करती है। कहते हैं कि यदि माता रक्षा नहीं करेंगी तो चारों धामों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है और मंदिर में विराजमान है माँ धारा देवी। यह मंदिर उत्तराखंड का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। माता धारा देवी के चमत्कारों को आज तक कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, अलकनंदा नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में माता काली शांत रूप में बैठी हुई हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहां आते हैं। धारा माता की मूर्ति में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। दोस्तों, मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। खासकर यहाँ पर नवविवाहित जोड़े जाते हैं और माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए। साथ ही सच्चे दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ धारा देवी अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यूं तो भारत देश में अनेक रहस्यमय मंदिर हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। माना जाता है कि यह सब माँ की इच्छा से होता है। आम भाषा में इसे चमत्कार कहते हैं। जी हाँ, भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ हर दिन चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान रहते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में एक युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती हैं। इस नज़ारे को देखकर कई लोगों को नींद तक नहीं आती। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, इस मंदिर को धारा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भीषण बाढ़ में मंदिर बह गया था, साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित कर देने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बनाया। दोस्तों, देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद माँ धारा देवी उत्तराखंड के चार धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारा देवी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। धारा देवी को उत्तराखंड की संरक्षक एवं चारों धामों की रक्षक माना जाता है। वहीं इसे लोगों का अंधविश्वास कहें या फिर एक महज संयोग, लेकिन लोग उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को इस मंदिर से जोड़कर देखते हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में उत्तराखंड में आई महाप्रलय को लोग माता धारा देवी के गुस्से से जोड़ते हैं। दरअसल यहां 16 जून 2013 में श्रीनगर में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए जन कल्याणकारी माता धारा देवी की प्रतिमा को मूल स्थान से शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में भीषण बाढ़ और तबाही आई जिसमें कई हजार जिंदगियां नष्ट हो गई थी। दोस्तों, धारी देवी की प्रतिमा को उनके मूल स्थान से हटाने को लेकर एक अन्य मान्यता ये भी है कि साल 1882 में एक स्थानीय राजा द्वारा देवी माता की प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद केदारनाथ में भारी भूस्खलन हुआ। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित इस प्राचीन सिद्धपीठ माता धारा देवी के मंदिर में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि माता के दर्शन के लिए वैसे तो साल भर श्रद्धालु यहां पर आते हैं, लेकिन नवरात्रों में माता धारा देवी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए इस दौरान अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि धारा देवी के मंदिर में जो भी भक्त सच्चे दिल से मुराद मांगते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, माता धारा देवी की एक कहानी लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। माता धारा देवी 7 भाइयों में इकलौती बहन थी। माता धारा देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के भोजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारा देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारा देवी के 7 भाई माँ धारा देवी से बचपन से नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारा देवी का रंग बचपन से ही सांवला था, परंतु माँ धारा देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी।
क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके भाई उनके लिए सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे और इन दो भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन दो भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे सिकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो ना हुई होगी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चल गया था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए सही नहीं है। जब माता केवल 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर काटकर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां पर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि नदी में तो बहुत ज्यादा पानी है, और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं न बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया। उसने सोच लिया कि अब मैं कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी के उस कटे हुए सिर से आई जिसने उस व्यक्ति के धैर्य को बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे पैर के लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने के लिए गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने कदम रखे वहाँ वहाँ अपने आप सीढ़ियाँ बनती गईं। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति से बोला, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए वह भी एक चमत्कार से कम नहीं था कि कोई कटा हुआ सिर आवाज दे और उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियां बनाए एवं उसे रक्षा के लिए आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह कोई साधारण सर नहीं है, ये एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होती है और वहां पर एक सुंदर धारा देवी का मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भी माता का भव्य मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।